एनएचएम विभाग के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोगों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई है, जहां एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर ने कहा कि हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें सरकार जल्द पूरा करे। साथ ही ठक्कर ने कहा कि हम प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ में आंदोलन शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि एनएचएम का कार्यालय है और इस कार्यालय के सामने सैकड़ों की तादाद में मध्य प्रदेश से आए हुए ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इनकी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये किन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं। सर, आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपकी कौन कौन सी मांगे हैं और वो मांगे पूरी हुई या नहीं? हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहली मांग हमारी है हमारे पूरे संविदा एनएचएम कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाता है तब तक 5 जून 2018 की नीति का लाभ दिया जाए, हमारे सीएचओ को एमएलएसपी कैडर दिया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि निष्कासित और आउटसोर्स किए गए हमारे सभी कर्मचारियों को एनएचएम में वापसी दी जाए। तीसरी मांग